नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत। जहां दिल्ली से देहरादून की तरफ आ रही शताब्दी ट्रेन की एक कोच में आग लग गई। आग लगने का कारण हालांकि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहत की बात यहां ये रही कि कोई इस पूरे घटनाक्रम में हताहत नहीं हुआ है। इंजन से लगे 8वें कोच में आग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग लगने के बाद इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया, बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कोच में 35 यात्री थे जिन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर दोबारा रवाना होती है, लेकिन ये तस्वीर आती है दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस। गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लोग सुरक्षित हैं। 35 यात्री थे जिन्हें इस डब्बे से दूर आगे के डब्बे में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन तस्वीरों को देखकर डर जरूर लगता है कि चलती ट्रेन में और उसकी कोच में इस कदर आग कैसे लग सकती है। देखिए, हर एक खिड़की से आग का विकराल रूप साफ तौर पे नजर आ रहा है। काला गुबार देखिए धुएं का, जहां ट्रेन की स्थिति बेहद भयानक लग रही है। और ये चलती ट्रेन है और किसी भी तरीके से इस काले धुएं को देखिए। यहां फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिशों में लगती है, तब जाकर हालात पर काबू पाया जाता है। और प्रयागराज में एक बार फिर बाहुबली अतीक के बेहद नजदीकी और फाइनेंसर जैन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीडीए ने इमामबाड़े की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मार्केट को जमींदोज कर दिया। इस मार्केट को जैन बिल्डर्स ने 2015 में बाहुबली अतीक अहमद के शेयर पर अवैध रूप से बनाया था। 3 फ्लोर में बनी इस मार्केट में 60 से ज्यादा दुकानें थी जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जैन बिल्डर्स ने इस मार्केट को बनाने में गुनाम हैदर अली इमामबाड़े की जमीन का इस्तेमाल किया जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस कार्रवाई को माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए कैसे इस 3 माले इमारत को जमींदोज कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन जिस पर यह अवैध रूप से बनाया गया मार्केट था, बताया ये जा रहा है कि अतीक के शह पर ही इस 3 फ्लोर के मार्केट को खड़ा कर पाए। उसी के शह पर 2015 में इस इमारत को इतना बड़ा बनाया जा सका, हालांकि आज ये जमींदोज हो चुकी है, पीडीए का बुलडोजर चल चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया था। लगता है अब उसका तेजी से पालन भी होने लगा है। ये लखनऊ से आई तस्वीरें हैं, जहां देखिए पारा कोतवाली क्षेत्र के गांव दौदा खेड़ा में 40 साल पुराने शिव मंदिर को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल इस मंदिर को हटाने के लिए हाईकोर्ट से भी आदेश हुआ था, जिसके बाद सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर को यहां से हटाया जा रहा है। इस दौरान मौके पर नगर निगम के अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे, तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ऐसे में देखा यह जाता है कई धार्मिक स्थल सड़क चौराहे के ठीक बीचों बीच मौजूद होते हैं और ऐसे में कई दुर्घटनाओं का कारण हो या फिर अनियंत्रित ट्रैफिक, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देखिए 40 साल से यहाँ के लोग सड़क पर इसी तरह की समस्याओं से रूबरू हो रहे थे, लेकिन अब इस पर कार्रवाई करते हुए आगे का काम जारी है। और उत्तराखंड में पहाड़ से लैंडस्लाइड की ऐसी खतरनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कोई भी दहशत में आएगा। आखिरकार कहां हुआ ये लैंडस्लाइड, देखिए इस रिपोर्ट। हर तरफ धूल का गुबार और कानों में गूंजती तेज कर्कश आवाज, ये तस्वीरें खौफनाक हैं, ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं। एक पल के लिए ये तस्वीरें लोगों को विचलित कर सकती हैं। समझ लीजिए जो यहाँ मौजूद था, मौत उसे बस छू कर निकल गई। जी हाँ, ये उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये टिहरी की NH-58 की साइट है, जहाँ ऋषिकेश श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। और दिनों की तरह यहाँ काम चल ही रहा था, लेकिन अचानक यहाँ सब कुछ ठहर गया। लोग कुछ समझ पाते तब तक तोता घाटी के पास अचानक पहाड़ से भरभरा कर बड़े बड़े बोल्डर जमीन पर गिरने लगे, जैसे धरती डोल गई हो।
जब ये लैंडस्लाइड हो रहा था वहां जेसीबी बुलडोजर के साथ लोग भी मौजूद थे। कुछ ही पल में यहां हर ओर अफरा तफरी और मानो धूल का साम्राज्य। लैंडस्लाइड की इस घटना के बाद सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करना पड़ा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक इन इलाकों में पहाड़ों से मलबा और बोल्डर गिरना आम, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। तोता घाटी के पास किलोमीटर 267 से 269 में जो है लगातार मलबा आ रहा है, जिसको जो है लगातार खोलने के लिए वहाँ पे 4 मशीनें कार्यरत हैं। सुबह 6:30 बजे करीब मार्ग बंद हुआ था, किंतु बार बार मलबा आने की वजह से जो है इस पर अभी दिक्कत आ रही है। लेकिन कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं आम जरूर है, लेकिन यहाँ जब भी जाएं ऐसी चीजों का खास ध्यान रखें, यानी सतर्कता ही एकमात्र समाधान। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुख्तार अंसारी के करीबियों की मुलाकात पर बवाल मच गया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार में जेल मंत्री रंधावा लखनऊ दौरे पर आए थे। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के कई करीबियों से मुलाकात कर ली। यही नहीं, मुख्तार के करीबियों ने उन्हें रिसीव तक किया था। दावा यह किया जा रहा है कि मुलाकात गुपचुप ढंग से हुई है, लेकिन अब इसकी तस्वीरें सामने आ गई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। योगी सरकार मुख्तार को सजा दिलाने के लिए यूपी लाना चाहती है, लेकिन पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार मुख्तार को यूपी नहीं आने दे रही है। दोनों सरकारों के बीच का ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसी बीच पंजाब के मंत्री का लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों से मिलना सवालों का सबब बन गया है। और इधर इसी पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा, वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। मुसेरे भाई, ये जो मुहावरा वो सिद्ध होता है पंजाब की कांग्रेस सरकार पर। मुख्तार अंसारी जो कि एक क्रिमिनल है उत्तर प्रदेश में कत्ल के, इस पर उनको हम लोग वापस लाना चाहते हैं पंजाब के जेल से, मगर पंजाब सरकार उसको वापस आने नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ उनके जेल मंत्री कांग्रेस के पंजाब के, वो मुख्तार अंसारी के लोगों के साथ छुपा छुपी करते हुए उत्तर प्रदेश में आए, पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। तो ये जो चोर चोर मुसेरे भाई है, ये खेल चल रहा है पंजाब की कांग्रेस सरकार का और मुख्तार अंसारी। और मुरादाबाद में सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट को लेकर अब कांग्रेस भी अखिलेश पर निशाना साध रही है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछे जाने से गुस्साए सपा मुखिया अखिलेश यादव के गुर्गों ने पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, पत्रकारों को कई घंटों तक 5-स्टार होटल में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। मारपीट की खबर सामने आई और तस्वीरें सामने आई तो अखिलेश यादव भी पत्रकारों से अभद्रता करते दिखाई दे दिए। उन्होंने मारपीट को लेकर धमकाया भी था। अखिलेश की इसी प्रतिक्रिया को लेकर कभी यूपी में उनकी सहयोगी रही कांग्रेस भी अपना निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पत्रकारों पर हमले के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की निंदा की है। जो नहीं होना चाहिए। देखिए, पत्रकारों के साथ बदसलूकी जो है और पत्रकारों के ऊपर मुकदमा करने का काम तो मौजूदा सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की, देश की। ऐसे में विपक्ष के और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो इस तरह से बौखला जाएं। और कई घटनाओं में मैंने देखा कि पत्रकारों से लगातार उलझ रहे हैं अखिलेश जी। मैं विपक्ष के ही दूसरी पार्टी के नेता की हैसियत से उनको ये सलाह दूंगा कि आप इतना बौखलाइए मत, अच्छा नहीं है। देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। दिल्ली आया और मीडिया पर हमला लोकतंत्र पर, मैं इसकी निंदा करता हूँ और अखिलेश जी को भी माफी मांगता हूँ।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। शाम को राष्ट्रपति बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, साथ ही दशाश्वमेध घाट के किनारे मां गंगा की आरती में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर वाराणसी के घाटों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें, जहां पर महामहिम के स्वागत के लिए, आगमन के लिए एक तस्वीरें बाबतपुर एयरपोर्ट की और दूसरी तरफ किस तरह से घाटों की सुरक्षा हो, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के तहत तमाम प्रोटोकॉल्स को भी लागू करते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई, ये सारी चीजें दुरुस्त कर दी गई हैं और माँ गंगा की आरती में शामिल होंगे, तो घाटों की साज सज्जा पर भी खास ध्यान दिया गया। और दूसरी तस्वीरों में देखिए किस तरह से स्वागत ये तस्वीरें सामने आई हैं। और ये भी बताएं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की नींव की खुदाई की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। खबरों के मुताबिक महज 15% ही खुदाई और सफाई का काम बचा है, जिसे मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में खोदी गई नींव में मटेरियल से भराई का काम भी शुरू हो जाएगा और फाउंडेशन के बाद राम जन्मभूमि मंदिर के स्ट्रक्चर का काम शुरू होगा। फिर ये पूरी प्रक्रिया अगर देखा जाए तो इसमें तकरीबन 36 महीने का वक्त लगेगा। तो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से आई हर एक खबर कहीं ना कहीं राम भक्तों के जहन में वो तस्वीर उभारने का काम करती हैं कि अब वो दिन दूर नहीं, जल्द ही राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन होंगे जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। भव्य राम मंदिर की कल्पना तो हर कोई करता है, उसे मूर्त रूप दिया जाएगा। भगवान की कृपा से मंदिर निर्माण की दिशा आगे अच्छी दिशा में बढ़ रही है। L&T ने ओपन एक्सकेवेशन का निर्णय ट्रस्ट द्वारा प्राप्त होने के बाद नींव खुदाई प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद इंजीनियर फील्ड मटेरियल की डिज़ाइन, उसका कंपोजिशन प्राप्त हो जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया तय करके ट्रस्ट उसको प्रारंभ करेगा। तो उधर नोएडा के सेक्टर 74 में व्हाइट हाउस सोसाइटी में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत हो गई। यहाँ बताया ये जा रहा है कि बुजुर्ग 7वीं मंजिल की छत से कूद गया। झारखंड के रांची जिले के रहने वाले बुजुर्ग दंपति ने पिछले साल ही इस फ्लैट को खरीदा था। परिजनों की माने तो मृतक नोएडा के फ्लैट को लेकर काफी परेशानी में थे और कानपुर के हैलेट अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में बच्चा बदलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिजनों ने इस मामले की शिकायत DGI से की है। परिजनों का आरोप यह है कि उनके घर बेटा जन्मा था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बच्ची थमा दी। DGI ने इस पूरे मामले में CO स्वरूप नगर को इस मामले को सौंप दिया है और सच जो भी है उसको सामने लाने की जिम्मेदारी दी। आज थाना स्वरूप नगर हैलेट से संबंधित एक बच्चा बदलने का प्रकरण सामने आया है, जिसकी जांच मैंने थाना प्रभारी स्वरूप नगर को दी है और जल्द ही जांच कर वो आख्या देंगे, जिसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए विरोधियों के खिलाफ आवश्यक और ठोस कदम से कार्रवाई की जाएगी। अब खबर कन्नौज से है, जहां सिपाही ने फिल्मी अंदाज में तस्वीरें खिंचवाई जो वायरल है। तस्वीरों में सिपाही एक हाथ में मोबाइल तो दूसरे हाथ में पिस्टल अपने सर की कनपट्टी पर लगाए तस्वीर खिंचवा रहा है। बाद में फोटो खिंचवाने वाले सिपाही अशोक मलिक को पुलिस अधीक्षक ने बुलाकर जमकर क्लास ली। COCT को मामले की पूरी जांच अब सौंप दी गई है। News at 4 में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए ABP गंगा के साथ।